एलन मस्क के पास ट्विटर आने के बाद ट्विटर में नौकरी की मांग 250% तक बढ़ गई। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि ट्विटर के टेक ओवर के बाद लोग मस्क के साथ काम करना चाहते हैं, जबकि ट्विटर के पुराने कर्मचारी मस्क के आने से परेशान हैं। यहाँ तक कि ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल की नौकरी भी खतरे में बताई जा रही है। अब एलन मस्क ने एक रिपोर्ट का लिंक शेयर करते हुए ट्वीट किया कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सभी मैनेजर को तकनीकी रूप से उत्कृष्ट होना चाहिए। मस्क ने लिखा कि सॉफ्टवेयर मैनेजरों को बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर बनाने चाहिए, नहीं तो वे घुड़सवारों की फौज के ऐसे कप्तान कहलाएंगे जो खुद घोड़े की सवारी नहीं कर सकते। एलन मस्क ट्विटर में क्या बदलाव करेंगे इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन संभावित बदलाव को लेकर सभी लोग चिंतित हैं। और ये चिंता वाजिब भी है, क्योंकि एलन मस्क अपने हैरान करने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं। द हैरिस पॉल के मुताबिक मस्क द्वारा ट्विटर के अधिग्रहण के बाद 59% अमेरिकी खुश हैं, जबकि ट्विटर के मौजूदा कर्मचारियों को चिंता है कि मस्क कोई बड़ा नाटकीय बदलाव कंपनी में कर सकते हैं। बता दें कि कंपनी ने सोमवार को एक SEC फाइलिंग में अधिग्रहण को अपनी स्टाफिंग क्षमताओं के लिए संभावित खतरे के रूप में प्रस्तुत किया। गुरुवार को जॉब इनसाइट्स प्लेटफॉर्म ग्लासडोर के एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री और डाटा वैज्ञानिक डैनियल झाओ ने ट्वीट किया कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच ट्विटर में नौकरी की रुचि में 263% का इजाफा देखा गया। फॉर्च्यून को दिए एक बयान में झाओ ने कहा कि कंपनी के लिए मस्क के ट्विटर टेक ओवर के बाद औसत दैनिक जॉब सर्च में जबरदस्त इजाफा हुआ है। एलन मस्क हमेशा से धारा के विपरीत चलने वाले शख्स रहे हैं। ट्विटर में नए बदलाव को लेकर कई तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन अब एलन मस्क ने कुछ इशारे करने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में एलन मस्क ने अपने एक ट्वीट में कहा कि अगर ट्विटर का अधिग्रहण पूरा हो जाता है तो कंपनी हार्डकोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिजाइन, इन्फोसेक और सर्व हार्डवेयर पर विशेष ध्यान देगी। मैं दृढ़ता से मानता हूँ कि तकनीकी क्षेत्र में सभी प्रबंधकों को तकनीकी रूप से उत्कृष्ट होना चाहिए। सॉफ्टवेयर में प्रबंधकों को भी एक महान सॉफ्टवेयर डेवलपर होना चाहिए, नहीं तो वे घुड़सवारों की फौज के ऐसे कप्तान कहलाएंगे जो खुद घोड़े की सवारी नहीं कर सकते। हाल ही में मस्क ने ट्विटर में कई बड़े बदलाव की भी घोषणा की है। दुनिया के सबसे अमीर व टेस्ला के CEO एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर को खरीदा और अब उनकी नज़र इस लोकप्रिय सोशल साइट से कमाई पर भी है। उन्होंने बताया कि किन यूजर से वो पैसा लेना चाहते हैं। ट्विटर का सशुल्क करने का इरादा नया नहीं है, अभी भी इसकी प्रीमियम सेवा यानी ट्विटर ब्लू के लिए पैसा लिया जाता है। मस्क ने अपने ट्वीट में संकेत दिया है कि ट्विटर के व्यावसायिक व सरकारी यूजर्स के लिए मामूली शुल्क तय किया जा सकता है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।